तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्या थर्ड पार्टी जॉब अच्छी होती है या ख़राब होती है। बेसिकली थर्ड पार्टी पेरोल गुड और बैड, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्त देखो, मैं बता दूं कि जो थर्ड पार्टी कंपनी की जॉब्स होती हैं ना, वो पेरोल की जॉब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। क्योंकि जब आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, थर्ड पार्टी किस हिसाब से काम करते हो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ कि सपोज़ मेरी कोई एक एमएनसी कंपनी है, ठीक है, और मैंने वहाँ पे आईटी का प्रोजेक्ट किसी एक एबीसी कंपनी को दे रखा है, ठीक है। अब मेरे लिए जो आईटी की हायरिंग होगी, जो या जो आईटी के एम्प्लॉय आएंगे मेरी कंपनी में जॉब करने के लिए, वो क्या होगा, वो एबीसी कंपनी हायर करेगी। मुझे मतलब नहीं वो बंदे कहाँ से ला रही है, उनको कितना सैलरी दे रही है, बंदे वो कैसे हैं। तो वो क्या करेगी कि एबीसी कंपनी उठा के लाएगी बंदों को और बोलेगी, पहला राउंड तो हो सकता है वही लें। उसके बाद क्या होता है कि जब वो बंदे उठा के लाते हैं, एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है मेरे साथ या मेरी कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ। तो हम क्या करते हैं कि कंपनी का जो कंपनी में होते हैं, तो हम उनका फिर इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। अब हमें कोई फॉर सपोज बंदा अच्छा लगा, तो हम उस बंदे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में वो बंदा मेरी कंपनी में काम करेगा, लेकिन उस बंदे से हमें कोई भी मतलब नहीं होगा। उसको सैलरी कितनी तारीख को जा रही है, उसका इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका पीएफ डिडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जो कंपनी के बेनिफिट हैं मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कंपनी अगर कभी कोई ट्रिप रखती है तो वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं होती है। बिना अगर कंपनी में छोटी मोटी पार्टी भी हो रही है आउटसाइड कहीं, अगर आप थर्ड पार्टी के ऑन रोल पे हो, तो ये श्योरिटी नहीं है कि कंपनी आपको पिक करेगी या कंपनी आपको लेके जाएगी। और इसके बाद जो कंपनी के रूल्स होते हैं, कई कंपनीज में क्या होता है कि कंपनीज आपको मेडिकल बेनिफिट देते हैं, आपका पीएफ वगैरह देते हैं, या कैब प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड करती है अगर आप कंपनी के ऑन रोल पे हो। बट थर्ड पार्टी में आपको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। एंड सबसे एक जो बड़ा पॉइंट इसमें होता है कि अगर आप मेरी कंपनी के लिए काम कर रहे हो एज अ थर्ड पार्टी, तो उतनी वैल्यू आपको कंपनी में नहीं मिलेगी, या उतनी वैल्यू कंपनी आपको नहीं देगी जितने अपने ऑन रोल वाले एम्प्लॉय को देती है। और अगर कंपनी का अप्रेजल साइकिल है, मतलब अगर कंपनियां अपने ऑन रोल एम्प्लॉय वालों को अगर सैलरी बढ़ाती है 10%, 12%, 15%, 20%, 30%, वट एवर अमाउंट, वहाँ पे अगर कंपनी ऑन रोल वाले एम्प्लॉय का बढ़ाती है, तो ये जरूरी नहीं कि आप अगर थर्ड पार्टी पे काम करो तो आपका भी सैलरी बढ़ेगा या आपकी भी सैलरी बढ़ेगी। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है वहाँ पे जाने के लिए, या वहाँ पे सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता। थर्ड पार्टी अगर चाहे तो वो बढ़ा सकती है, वो चाहे तो नहीं बढ़ा सकती है। एंड जो एक सबसे बड़ा और मेन पॉइंट होता है कि टर्मिनेशन का या जॉब सिक्योरिटी की अगर बात करें, तो थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं जॉब आपकी लेस सिक्योर होती है। ऐसा नहीं कि सिक्योर होती ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बट लेस सिक्योर होती है एज कम्पेयर टू ऑन रोल एम्प्लॉय। जब देखो कंपनी के आप ऑन रोल पे जॉब करते हो, तो जॉब आपकी ज़्यादा सिक्योर होती है। थर्ड पार्टी में आपकी जॉब उतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं होती, कभी प्रोजेक्ट में आपसे डाउन हुए तो कंपनी बंदों को बाहर निकाल देती है विदाउट एनी रीजन। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी अगर आपके पास जॉब नहीं है और जॉब आप सर्च करो, अगर आपको अभी थर्ड पार्टी में मिल रही है, तो कुछ टाइम के लिए आप उसमें काम करो और इसके बाद अदर जगह जॉब आप देखते रहो, 1 साल 6 महीने बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी ऑन रोल पे, अगर आपके पास जॉब नहीं है। अगर आप एक 5 लाख के पैकेज पे आप काम कर रहे हो और फिर आपको 6 लाख या 6.5 लाख की सैलरी पर अगर आपको जॉब मिल रही है थर्ड पार्टी पे, ये आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हो। अगर 20-25% आपको हाइक मिल रहा है और आपको थर्ड पार्टी ऑन रोल मिल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थर्ड पार्टी कभी मत ज्वाइन करो। अगर आपको 20% हाइक मिल रहा है और किसी कंपनी का ऑन रोल मिल रहा है, तो 100% आप जंप कर लो, 100% आप ज्वाइन कर लो। तो बेसिकली ये मैंने आपको थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश करी है कि थर्ड पार्टी और ऑन रोल में क्या डिफरेंस होता है। होपफुली आप समझ गए होगे, और कुछ पॉइंट्स और भी होते हैं, आप गूगल कर सकते हो या यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।